ने दी हैप्पी न्यू ईयर के सॉन्ग पर ये परफॉर्मेंस। हैप्पी न्यू ईयर से डायलॉग भी बोलकर अपने फैंस को एंटरटेन किया शाहरुख ने। साली किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, कभी भी पलट जाती है। और फिर ये अवार्ड मिलने की खुशी कुछ इस तरह बयां कर गए शाहरुख। जब भी अवार्ड मिलता है मुझे ऐसा ही लगता है मैं अनडिजर्विंग हूँ, और जब दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन एंड द पर्सन हिमसेल्फ हु हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर फिल्म मेकर्स एंड इंडियंस for years now and will continue to be so. The only thing that you feel when you get an award is that you can only make promises that you will work harder, and in this field of filmmaking, I promise you all, I first of all thank you on behalf of my family. Mere jo bacche hain, biwi hain, family hain, bahut khush rehte hain, aur woh sab aapki wajah se, to unke behalf pe dhanyawad. Thank you for making me the star I am. Bahut bahut dhanyawad aapko. Well, entertainer number one, शाहरुख का ये नटखट अंदाज दिखा दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड के स्टेज पर। जी हाँ, ट्यूसडे नाइट बॉलीवुड में हुए दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स में शाहरुख के इस एंटरटेनिंग अंदाज को उनके फैंस के अलावा एंजॉय किया बॉलीवुड से कई सितारों ने भी, जिनमें शामिल थे जैकी श्रॉफ विद सन, टाइगर, हुमा कुरैशी, राजकुमार राव, जया प्रदा, श्रेयस तलपड़े, उदित नारायण, पंकज उदास, कॉमेडियन गुत्ती यानी सुनील ग्रोवर, भारती एंड सम टीवी सेलेब्स टू। वैसे यहाँ जिनको अवार्ड मिला उन्होंने जताई अपनी खुशी कुछ इस तरह। अभी तो शुरुआत है, बहुत बहुत सपने हैं आगे आगे देखे पाने के लिए। वेल ऑफकोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भारी अवार्ड है, जैसे आप देख सकते हैं, इट्स अ बिग अवार्ड, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हमेशा अच्छा लगता है जब इंडस्ट्री सीनियर्स आपका काम पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, एंड आई एम जस्ट थैंकफुल टू द एकेडमी फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। ये अवार्ड अपने आप में बहुत ही विशेष है, बिकॉज दादा साहब फाल्के जी ने चित्र जगत की शुरुआत की, उनके नाम पर एकेडमी है, और बहुत ही खूबसूरत ये ट्रॉफी भी है मेरे हाथ में इस वक्त, तो इसके लिए मुझे एक्नॉलेज किया गया है, मेरे जो भी मैंने किया है, तो बहुत बहुत थैंक यू। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मुझे ये अवार्ड मेरी मेहनत के लिए मिला है। और जिनको नहीं मिला उन्होंने भी जता दी ये अवार्ड जीतने की अपनी उम्मीद। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कुछ अवार्ड मिल जाए इस साल, तो बहुत अच्छा रहेगा, और बस आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर, और अंदर जाके देखता हूँ कि क्या होने वाला है। वैसे अपार्ट फ्रॉम अवार्ड्स, यहाँ छाया रहा शिवसेना के उस ऑर्डर का मुद्दा भी, जिसमें शिवसेना ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को इंडिया में बैन करने की मांग की है, जिस पर कोई खुलकर सपोर्ट में बोला। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कलाकारों के लिए कोई बॉर्डर्स या जाति धर्म ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे कलाकार भी बाहर जाते हैं, वहाँ के कलाकार भी, नथिंग टू डू विद वन मोर कंट्री, बट कई बार हमारे इश्यूज बनाने के लिए ऐसी बातें कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कलाकारों को के लिए कुछ भी एक बॉर्डर नहीं होता है, उनके लिए सारी दुनिया अपनी कला से लोगों को खुश करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो उनको नहीं रोकना चाहिए। मुझे लगता है कि कलाकार चाहे किसी भी देश का हो, अगर वो आपके मुंह पे स्माइल ला रहा है अपनी कला से, वो कलाकार है, वो किसी जाति धर्म प्रदेश का नहीं है। तो किसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इस सवाल से बचते दिखे शाहरुख खान और जैकी भगनानी। Whenever you have a question like this, it should be on a platform that you have a discussion, not just a bite on it. So we'll meet up again on some platform where we can have a discussion about things like this. That's a very political thing. I would really not want to get on that, but it's acting, it's performance, it's creativity. So I don't think any boundaries should stop that. But I'm sure वो बड़े लोग हैं, वो decision ले सकते हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पहले ढंग
अपना काम कर लूं वही ठीक है। और जाते जाते इस माहौल में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया मीत ब्रदर्स के इस एंटरटेनिंग स्टेज परफॉर्मेंस ने। तो लीजिए आप भी एंजॉय कीजिए इनकी ये शानदार परफॉर्मेंस। Baby, baby, check me out, girl, I'm young.